जहां कोटपुतली के भानसुर में भाजपा कार्यालय पर आंखों और फिजियोथेरेपी का निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि प्रसिद्ध आंख डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने मरीजों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया, जिसमें जीवनदाता ब्लड बैंक की ओर से भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्याओं में मरीज इस शिविर में पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों ने मरीजों की आंखों और अन्य बीमारियों की जांच कर निशुल्क दवाई दी। जिन मरीजों के नेत्रों पे खराबी हो रही थी, उनको चिन्हित कर निशुल्क आंखों का ऑपरेशन कर लेंस प्रत्यारोपण किया गया। इस दौरान युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को राष्ट्र परिषद के पूर्व सदस्य महेंद्र यादव ने हेलमेट दिए गए। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि नर सेवा नारायण सेवा, तो सेवा भाव तो मेरे जीवन में शुरू से ही मुझे आदर्श ऐसे मिले हैं, तो सेवा करना तो मेरा शुरू से ही एक भाव रहा है। आज बानसुर में ये 10वां आँखों का कैंप है और 8वां रक्तदान का कैंप भी हमने आज यहाँ रखा है। साथ साथ में हमारे मिश्र देवी हॉस्पिटल के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, जो जाने माने डॉक्टर हैं सुप्रसिद्ध राजस्थान के, उनकी टीम और वो खुद आए हैं। दूसरा जो जीवनदाता ब्लड बैंक है, वो रक्त संग्रहण के लिए वो टीम आई है। तीसरा, हमने आजकल गाँव में जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, धीरे धीरे पानी की वजह से अर्थराइटिस की समस्या है लोगों में, तो उसके लिए हमने एक जयपुर की हमारी स्पाइन केयर के नाम से डॉक्टर अंजलि राठौड़ है, वो भी अपनी टीम के साथ यहाँ आई है। तो हम इससे यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो गांव में रहते हैं, जो दूर दराज रहते हैं, जो ऑपरेशन कराने में ज़्यादा समर्थ नहीं है, ऐसे लोगों की सेवा करके हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और निश्चित रूप से अभी तक हजारों लोगों के इन कैंपों के माध्यम से हमने ऑपरेशन भी करवाए हैं, निःशुल्क ऑपरेशन कराए हैं, सबको यहाँ से ले जाने की व्यवस्था सब। और इसके अलावा जब इन सब से मुझे आशीर्वाद मिलता है इन बुजुर्गों से, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आज हमारे इस कैंप में अतिथि के रूप में हमारे सांसद राव राजेंद्र सिंह जी भी साहब भी यहाँ पधार रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं हमारे राम तलाई के महाराज जो अरुण भारती जी आए, उन्होंने दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की। आज युवाओं में बड़ा जोश है, शब्द ब्लड देने के लिए आज के युवा हमेशा आगे रहते हैं,